कापासेडा के न्यू सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जयदीप शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बच्चों ने मंच के माध्यम से प्रस्तुति पेश कर समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर मनीष कटारिया, मीना शर्मा, दीपक कटारिया व रमेश चंद यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ भ्रूण हत्या को लेकर अनूठी प्रस्तुति पेश की। वहीं भ्रूण हत्या के खिलाफ अभिभावकों को शपथ भी दिलवाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि जयदीप शर्मा ने कहा कि बड़ी इमारतें खड़े करने से या स्कूल की ज्यादा फीस देने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार या अच्छा अनुभव नहीं आता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह स्कूल गरीब बच्चों को भी शिक्षा मुफ्त दे रहा है। जिसकी नीयत और नीति अच्छी होती है, उस संस्थान के बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल होता है। जहाँ शिक्षा के उजियारे से विद्यार्थियों का भविष्य तो उज्ज्वल बनता ही है, वहीं इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल को लेकर भी काफी जागरूक किया गया है। हम सब चाहते तो ज़रूर है कि हमारे बच्चे पढ़ने जाएं उन स्कूलों में जो शायद हम भी नहीं पहुंच पाए कभी, पर ये जानते हुए कि हमारा देश अभी भी सबके लिए सब कुछ नहीं दे पाता, इन छोटे स्कूलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे यहाँ। इन स्कूलों के माध्यम से टीचर्स, और मैं भी एक छोटे स्कूल से ही हूँ, अपनी प्राइमरी स्कूल मैंने भी इससे भी छोटे स्कूल से करी थी, पर वहाँ पे नींव डल जाती है, सही टीचर, सही मार्गदर्शन मिल जाए और कुछ सुविधाएं जो कि भारत सरकार ने इतनी अधिकतम मात्रा में दे रखी है, तो कम तबके के लोग भी अपने बच्चों के लिए भविष्य बहुत सुनहरा देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के बच्चों को हमारे सपोर्ट किया और हमारे स्कूल को सपोर्ट करते हैं। और ये जो चीफ गेस्ट आए हैं, सारे अतिथि उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। और निरंतर हम लोग करते रहते ये सारा कार्यक्रम, और हमारे स्कूल का आज फेयरवेल भी है 10th क्लास की, फिर इसलिए कि तो आज जो बच्चे सारे बच्चे ने टॉप किया है, ये भी अच्छा लगा मुझे। और स्कूल की तरफ से भी कोई कमी नहीं आया, बच्चे भी है मेरे, वो भी आज बच्चे भी मेरे जो संदीप कुमार वो टॉप किया है, 1 क्लास में पढ़ता है, और मैम सब भी है, जजेस भी है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ। और आगे भी उम्मीद है, मतलब जो भी है स्कूल में जो बच्चे कुछ आगे बढ़ पाएंगे।